ये हमारे अभी परियोजना कार्यालय में हम बैठे हैं विकासखंड मोरी के, और यूडाइस पे बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। स्कूलों सभी स्कूल उस कार्य को करेंगे। तो फिलहाल रावत जी एक डेमो करके दिखाएंगे। इन्होंने एक स्कूल की लॉगिन आईडी, गुरुकुल पब्लिक स्कूल है वो खोला है, और उसमें बताइए रावत जी क्या अभी फिलहाल स्कूलों को एक्शन करना है इसमें। सर, अभी जैसे अभी प्रत्येक टीचर को बताया गया था ग्रुप के माध्यम से कि आप लोग लॉगिन सब जानते हैं कि लॉगिन कैसे होना है। ठीक 2024-25 में लॉगिन होना आपने, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ जो रेड जो जैसे यहाँ पे कह रहा है ये इनकम्प्लीट स्टेटस ये आ रहा है, ठीक है, टोटल ये आ रहा है, ठीक है। इसको 11 के 11 बच्चे यहाँ पे अनकम्प्लीट है इस स्कूल के तो माध्यम से। इनका रिकॉर्ड क्या कंप्लीट करना है ये अब बता इनका सकते रिकॉर्ड हैं? सर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जैसे फिर यहाँ बगल में एक व्यू है लिखा, व्यू हाँ व्यू ऑब्लिक मैनेज, ठीक तो है, आपने व्यू में क्लिक करना है। ठीक है, व्यू में जैसे क्लिक करोगे तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग आएगा। ठीक अब है, यहाँ देखो, हाँ सपोज दैट जैसे ये बच्चा है, हाँ अभिषेक कुमार अब है, यहाँ हाँ पे इसका जो जीपी इनके फुल ई फॉर्म क्या और है? एपी जीपी जनरल पर्पज हाँ प्रोफाइल, हाँ ईपी इक्विपमेंट प्रोफाइल हाँ और एफपी फंडामेंटल प्रोफाइल, यानी कि अच्छा क्या क्या फैसिलिटी उनको दी, या अच्छा फैसिलिटी भी बोल सकते हैं, हाँ फैसिलिटी प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है हाँ सर। तो इसके अंदर अगर हम जब जाते हैं तो ये सपोज मैं इसी बच्चों को कर लेता हूँ। अब इसमें देखो क्या लिखा हो, जनरल प्रोफाइल जनरल ईपी, प्रोफाइल, ठीक है, एनरोलमेंट प्रोफाइल, इनरोलमेंट फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल फैसिलिटी और प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रीव्यू, ये ये इनके तीन फुल मेन है फॉर्म है, सर। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे का जनरल प्रोफाइल है, बच्चे का नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो भी है, अच्छा और ये सब जैसे करके आधार वगैरह जितना भी है इसे हाँ। कंप्लीट करके आप भर के सेव कर मैं देंगे, इसको सेव कर लूँ। अगर एक अनकम्प्लीट होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, जब ठीक इसका है, अनकम्प्लीट है अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले जैसे ये वाला फील्ड कंप्लीट होगा हाँ उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। हाँ जी, जैसे मैंने इसको सेव किया तो सेव करने से पहले इसमें सारे रेड दिखा दिए, ठीक है ठीक है, इसमें क्या रेड दिखा रहा है, एड्रेस, एड्रेस नहीं भर रखा है तो रेड बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पिन कोड नहीं है, फोन मोबाइल नंबर नहीं है, जो जो रेड है वो आप रेफी ए जो है ये ग्रीन हो ग्रीन जाएगा। दिखेगा जिस बच्चे और की स्टेटस, सारी डिटेल्स हमने फीड कर दी हैं, हाँ स्टेटस ठीक में है, क्या है, कंप्लीट दिखा है, कंप्लीट रह ठीक जाएगा, है सर। ठीक अब है। इसके बाद क्या है, ये तो आपने करना ही करना है। अब इसके बाद अब क्या हो रहा है कि अपार आईडी बनानी है, ठीक है, अपार आईडी के लिए यहीं पे ऑप्शन आ ये रखा हमको है, दिख रहा है एक अपार मॉड्यूल, हाँ ठीक है, ये अगर अपार इसको आईडी। इसको क्लिक कर अब लूँ। इसमें क्लिक करना, हमने इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये आ गया जी। हाँ अब मैं कौन से क्लास में है, सब मैं जो मेरा लड़का है मैं उसे करना चाह रहा हूँ, थर्ड ठीक है, क्लास में है। हाँ ये सेक्शन हो जाएगा जो सेक्शन बना रखा पहले से, ये अब गो टू करेंगे। ठीक है, अब वो बच्चा मेरा यहाँ पे दिखेगा अभी सक्षम, ये सर सक्षम राजपूत, ठीक ठीक है। है, अब यहाँ पे एक क्लिक करेंगे हम, जो जनरेट, पेंडिंग है ना अभी जो हाँ कुछ कर ही नहीं रखा है, ठीक है, अब मैं इसको जनरेट करूँगा। ठीक है, अब जनरेट करने के लिए क्या क्या मांग रहा है, यहाँ देखो नीचे आई हाँ कौन, गार्जियन का नाम जो आएगा, जो गार्जियन है, ठीक है, ठीक है सर। लिखो अपना नाम लिख दो। एज द सेलेक्ट क्या हूँ मैं इनका फादर, फादर, ठीक हाँ है जी, हाँ ऑफ इस बच्चे का मैं ठीक बाप है, हूँ, और आईडी प्रूफ क्या है मेरा, मेरा नॉट आधार, बच्चे का, ठीक है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ लिखी, ये हाँ, मेरी तरफ से जा रहा है, ठीक है ठीक है, आपका ठीक है आधार सर, आईडी मैं हो अपना जाएगा, आधार देता हूँ इसमें। ठीक है, और फिर मैं अब जो मेरा जो आईडी ये कह रहा है एंड आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, यानी कि जो हाँ मेरा आधार नंबर है डाल दो मैं उसको डाल देता हूँ। बाद, मैं हाँ आईडी पेरेंट प्रूफ क्या दिया, मैंने आधार, कोई पेरेंट, आप कुछ भी दे सकते हैं, हाँ पैन कार्ड है जो भी है पेरेंट्स के पास, अब मैं अपना आधार ही दे रहा हूँ। दे दो, तो अब जो मेरा आइडेंटिटी आधार जो दिया है उसका मैं नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है, 6300092 ये ऊपर सिक्स होगा, फाइव सॉरी। अब मैं इसको आगे बढ़ा सर है, और मोरी फिजिकल लिख दो, प्लेस मोरी। ऑफ मोरी आ जाएगा, मोरी, ठीक है वहाँ सर। लिख दो आज की डेट, और डेट आ जाएगी आज की, आज डेट उसमें है से क्लिक करो आ जाती है अपने आप, साइड में क्लिक कर लो, कैलेंडर आ जाएगा, हो गया आज की। 11 11, ठीक है सर। और ये जो स्कूल का मेरा प्रिंसिपल है, हाँ प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा ठीक है, नीचे अशोक जो कुमार, उस स्कूल का जो है, सबमिट कर दो, हालांकि उसको रहने दो, ठीक है सर। अब क्या हाँ कर लेंगे, सबमिट, सबमिट कर लेंगे। हाँ
कंफर्म यू वांट टू जनरेट कंफर्म ठीक है कंफर्म कर दिया रिस्पांस जनरेटेड ये आईडिया पर आईडी जनरेट हो तो इसका वो दिखाओ प्रिंट आउट भी आगे नाम के सामने डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस था क्या था शायद जनरेटर में टाइम लेगा तो देखें फिर भी देखने एक तो दिखा रहा है कि टोटल जनरेटर आईडी एक होगी वन होगी ना वन होगी तो वो आईडी है कहाँ वो दिखाओ एक मिनट देखता हूँ कार्ड बन क्या था क्या आधार कार्ड जैसा थोड़ा ब्यो तो ना इसका जो है आधार से बात कर लो जरा आधार कार्ड जैसा कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है क्या बच्चा अपना इस अपार आईडी का अच्छा 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 नंबर मतलब नंबर जनरेट हो जाएगा फिलहाल ठीक है जी थैंक यू थैंक यू ठीक है।